तो पूरा देश आजादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में हमारे सुरक्षा कर्मी 24 घंटे लोगों की सेवा में जुटे रहते हैं। सैनिकों और पुलिस कर्मियों की इस बहादुरी को पूरा देश सलाम कर रहा है। इन्हीं में से एक है दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक IPS सिद्धार्थ तिवारी, जिन्होंने अपना सर्वस्व लोगों की सेवा में लगा दी। IPS सिद्धार्थ तिवारी ने रफ्तार मीडिया से बातचीत किया है और अपने जीवन से जुड़े बातों को उन्होंने शेयर किया है। देखिए हमारे रिपोर्ट में। आए हैं दंतेवाड़ा में, यहाँ पर जो हमारे युवा IPS सर हैं सिद्धार्थ तिवारी सर, जो अभी इस वक्त दंतेवाड़ा में SP के पद पर पदस्थ हैं। आज हम जानेंगे उनसे कि कैसा उनका जो है जीवन का कार्यकाल रहा और किस तरीके से किन कठिनाइयों का सामना करके जो है वो आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो आज हम जानेंगे सर से, सर बताएंगे सर हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार आपकी कैसी पढ़ाई रही और किस प्रकार आपने जो है संघर्षों का सामना किया। देखिए, मैं आपके सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे बहुत टेंशन में आ जाते हैं अगर उनके परसेंटेज अच्छे नहीं आते हैं या अगर वो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं। मैं खुद काफ़ी एक औसत दर्जे का स्टूडेंट था और 12वीं में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, परंतु अगर हम एक लक्ष्य अपने जीवन में ले, अगर हम मेहनत करने से ना घबराएं, तो एक सूत्र है जो मैंने अपने एक ऐसा सूक्ति थी जिसको मैंने अपने सामने रखा हमेशा, वो थी कि श्रमेण सर्वम साध्यम, मतलब मेहनत से आप कुछ भी पा सकते हैं। और अगर इसको मैं चाहता हूँ कि मेरे युवा साथी और दोस्त अगर इसको भी अपनाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम अपने जीवन में नहीं पा सकते, बशर्ते हम उसके लिए मेहनत करने के लिए तत्पर। जी सर, तो अगर हम जैसे आपकी प्राथमिक शिक्षाओं की बात करें तो सर कहाँ से आपकी प्राथमिक शिक्षा हुई और किस तरीके से आपने जो है इस IPS के सफर को पूरा किया? मेरी पैदाइश और पढ़ाई लिखाई तो दिल्ली से हुई और वहीं पर सारे इम्तिहान और सब पढ़ाई लिखाई परवरिश सब दिल्ली की है, परंतु IPS बनने का जो एक सपना था वो फूड कॉरपोरेशन में काम करने के दौरान मुझे पता चला कि क्योंकि जब हम दिल्ली में हम रहते थे तो IAS IPS नहीं दिखते थे, मतलब इतना जागरूकता नहीं थी कि आप जनता के लिए इतना काम कर सकते हैं। पर जब मैं सरकारी नौकरी में आया तो पता चला कि ये सेवा में आप जो मूलभूत ज़रूरतें हैं और दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पर आप लोगों के जीवन में जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं उनके जीवन में आप एक बदलाव ला सकते हैं। तो सर, जैसा कि आजकल के जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो कलेक्टर IPS IAS बनना तो चाहते हैं पर पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते और जो अफेयर और इस तरीके के जो और नशे के हम देखें तो इन चीज़ों का शिकार होकर के जो अपने कॉन्सेंट्रेशन खो देते हैं, तो सर उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे सर? एक चीज़ मैं आपके माध्यम से अपने सभी युवा साथियों को बताना चाहूँगा कि देर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। अगर हमको कुछ भी अच्छा चाहिए उसके लिए मेहनत, कमर तोड़ मेहनत और मन से उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो यही मैं आपके सभी साथियों को भी बताना चाहूँगा कि मेहनत करें, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा जिसके लिए ना मेहनत करें तब भी वो प्राप्त हो जाएगा। जो जैसा कि आपने सुना हमारे IPS सिद्धार्थ तिवारी सर को, और मैं एक बार और पुनः सर के पास जाना चाहूँगा। और जो सर 15 अगस्त के इस पावन पर्व पे आप रफ्तार मीडिया के जो दर्शक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना? मैं आपके सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि वो इस ऐतिहासिक वर्ष में देश की प्रगति और उन्नति में भागीदार बने। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ IPS सिद्धार्थ तिवारी सर के साथ हमने जो चर्चा की रफ्तार मीडिया के दर्शकों के लिए, इसी के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए आशु भदौरिया दंतेवाड़ा से।